एक मिनट रुक जाओ। और उस जो लड़के ने फोन किया था मेरा माला देवी क्या नाम था इनका? बिरजू धानू। क्या आपको क्या लगता है क्या वजह लग रही है? वजह तो हमको नहीं पता क्योंकि हमको ये बताया नहीं। सिर्फ बस इतना जानते हैं कि उसने इन्होंने कहा संडे को हमको ड्यूटी नहीं जाना है, सोमवार को हम सीधा जाएंगे। तो हमने कहा संडे को नहीं जाना है तो क्या करना है जगह के? लेकिन ये अचानक उठे कल के देखो हम ड्यूटी जा रहे। तो हमने कहा काहे के लिए? तुम तो कह रहे थे संडे को हम जाएंगे नहीं, सोमवार को जाएंगे तो काहे जा रहे? जो कहने के भी वो आकाश जो है फोन कर रहा है, कह रहा ड्यूटी लगी है और कंपनी आई आ गई है इसलिए हम जा रहे हैं ड्यूटी करने जा रहे हैं। बस यही बात हमसे कही कि निकले। इनका जॉब क्या था? कर्मचारी थे पी एच सी में, कर्मचारी थे, अटैचमेंट था यहाँ पे। सूचना कैसे मिली आपको? सूचना हमको हम ढूंढ रहे थे, वो भी हम 11 बजे जब ये नहीं आए पूरे दोपहर, शाम को रात होने लगी जब 10 बज गया तब हमको बेचैनी होने लगी कि अभी तक आए नहीं है। चाहे जितना पिए हो वो गिरते पड़ते जरूर आ जाते थे घर, लेकिन उस दिन वो नहीं है ना कोई सूचना मिली। स्विच ऑफ करा तो वो फिर खुला ही नहीं। अंदाजे से गए थे कि चलो आकाश नाम के लड़के का फोन नंबर हम उनसे ले लेंगे, हम उसका पता ले लेंगे, हम डायरेक्ट वहाँ पहुँचेंगे जाके उसको पकड़ेंगे हम कि कहाँ लेके गया मेरा नई बात नहीं हुई। पी एच सी आकाश लाया खून फरार है इन लोगों ने फरार कर दिया। इनके बयान होने दी पुलिस वाले इस पर क्या कह रहे हैं? इनके बयान होने दी पुलिस वाले एंटी रैंकिंग केस बना दिए हैं। मेरा आदमी कोई इशारा करता जरूर था लेकिन मोहल्ले में पूछ लीजिए कभी एक्सीडेंट नहीं करा उसने, कभी नहीं गिरा पड़ा। यहाँ पे धक्का दे रही है, आपकी मांग क्या है? मेरी मांग है कि वो लड़का मेरे सामने आए और उससे पूछना चाहते हैं कि उसके क्या दुश्मनी थी इनकी।